गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल बॉडी वर्कआउट, क्योंकि आप लोगों की हेवी रिक्वेस्ट थी। क्योंकि अभी स्टार्ट हो चुका है वेडिंग सीजन, तो वेडिंग सीजन में हमें अपने आप को शेपअप में तो लेकर आना ही आना है। जो पूरा साल हमने अपनी जीभ के स्वाद बढ़ाकर बहुत कुछ खाया है और वो बहुत कुछ हमारे शरीर में दिखना भी शुरू हो गया है, तो उसको हमें स्क्वीज करने का टाइम आ गया है, राइट? तो इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 डेज का चैलेंज, और 30 डेज में आपसे डिफरेंट बॉडी पार्ट के डिफरेंट एक्सरसाइजेस शेयर करूंगी। तो इस सीरीज को मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज, आज है डे 1, डे 30 तक आपने इसको एज इट इज फॉलो करना है। एक दिन भी मिस कर दिया तो आपकी बॉडी पर आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? चलो बिना बातचीत ज्यादा किए फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। लेकिन वर्कआउट के साथ साथ हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना है, क्योंकि 70% डाइट का रोल होता है और 30% काम करता है आपका वर्कआउट जो आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम फुल बॉडी पार्ट में करने वाले हैं, जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स आपकी बॉडी को एक अच्छा वार्म अप भी देती है और आपके बॉडी फैट को भी रिड्यूस करती है, आपके बॉडी को शेप में लेकर आती है, राइट? तो सबसे पहले हम करेंगे 100 जंपिंग जैक्स, ठीक है? डन। अब हम करेंगे लेग्स को ओपन करेंगे, देन उसके बाद हैंड्स को यहाँ प्लेस करेंगे लेग्स एक्सरसाइज के लिए, और साइड एंगल से अपनी लेग को अप करेंगे। इससे आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। इसको हम करेंगे 50 टाइम्स। जब आपकी मसल एंगेज हो रही है, यानी आपकी जब एल्बो नी से टच हो रही है, ब्रीथ आउट। जब आप ऊपर जा रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो ब्रीथ इन। रिलैक्स। यहाँ पे आपकी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। थर्ड एक्सरसाइज में हम लंजेस करेंगे, ठीक है? आप एक साइड खड़े हो जाइए और इस तरीके से आपने 1 फीट को आगे रखना है, 1 फीट को आपने बैक साइड पे रखना है, और मेक श्योर आपका नी जो है आपके टो से आगे नहीं जाएगा। नीचे जा रहे हैं, ब्रीथ आउट। हम 1 लेग पे करेंगे इसको 20 टाइम्स, उसके बाद लेंगे हम 10 सेकंड्स का रेस्ट, देन फिर हम 20 टाइम्स इस वाली लेग पे करेंगे। तो चलिए, मैं आपको इस लेग पे तो दिखा ही चुकी हूँ, अदर लेग पे हम इसको परफॉर्म करते हैं। ओके, डन। देखा, 3 एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में आपको क्या होता है, आपका ये वाला जो मसल होता है ना, ये वाला थाई मसल बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। आपका जो यहाँ का फैट है, ठीक है, मिडल फैट है जो आपका, ये आपके लेग्स के बीच में गैप मेंटेन करता है। क्योंकि गर्ल्स का क्या होता है, जब इस तरीके से फैट की वजह से लेग्स ज्वाइंट हो जाती हैं तो रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या होता है, आपके ग्लूट्स बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाते हैं, उनका फैट रिड्यूस होता है और काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसको हम करेंगे 20 टाइम्स, 10 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे, और टोटल हम इसके करेंगे 4 सेट्स, ठीक है? तो इस तरीके से लेग्स आपने वाइड करना है, ऐसे ऐसे आपके पैर ओपन होंगे और आपने डाउन जाना है। प्रॉपर स्ट्रेच आपको फील होगा स्टार्टिंग में। आज थाई वर्कआउट करोगे, कल बहुत पेन रहेगा, नॉर्मल है, ठीक है? डेली होने वाला है, क्योंकि हमने एक दिन में मिस नहीं करना है। सिर्फ 1 डे का हम गैप मेंटेन करेंगे, यानी 6 डेज कंटिन्यूस आपने वर्कआउट करना है मेरे साथ। ब्रीथ आउट, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, ब्रीथ इन। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है बर्पीज की, ठीक है? इसके लिए या तो आप जंप कर सकते हो, जितना जंप करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, जैसे कि हमारा फैट रिड्यूस होता है। हैंड्स रेज करें, जंप अगेन डाउन, ठीक है? जंप, thank you.
ओके, ये हो गया आपका 20 टाइम्स, मतलब मैंने आपको 10 टाइम्स करके दिखाया है, लेकिन आपको करना है 20 टाइम्स, 10 सेकंड्स का रेस्ट, 4 सेट्स। अब इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, शोल्डर जितना गैप मेंटेन करना है अपने फीट्स में, जितना आप देख पा रहे हैं, राइट। और उसके बाद में आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से बैक साइड पर रखना है या अप कर सकते हैं, और ऑपोजिट साइड का आपने टो टच करना है। कैसे? 1, पूरा अप लेकर आना है, जितना लेग को अप ला सकते हो, जितना अप लाओगे ये वाला पार्ट, लोअर पार्ट, अपर पार्ट टमी का बहुत अच्छे से एक शेप लेगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बैक आपका स्ट्रेट रहेगा, चेस्ट आगे रहेगा, और परफॉर्म करो। 1, ब्रीथ आउट, मसल एंगेज हो रहा है आपका जब आप ओपन कर रहे हैं, ब्रीथ इन, ठीक है। 20 टाइम्स राइट साइड, 20 टाइम्स लेफ्ट साइड, और इसके आपने करने हैं 4 सेट्स ईच लेग, दोनों को मिला के मत कर लेना। नेक्स्ट लेग, ओके, डन। यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइज, आई होप कि आपको मेरा ये फुल बॉडी वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। आपके बॉडी में भी जो हल्का मीठा मीठा पेन होगा ना, जो 30 डेज तक रहने वाला है, अमेजिंग फीलिंग देगा आपको, क्योंकि ये वाला पेन ना आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देगा कि यार आज मैंने अपने शरीर पर कुछ मेहनत करी है। तो मेहनत किसी भी चीज की हो, रंग जरूर लेकर आती है, लेकिन उसके लिए पेशेंस और रेगुलरिटी, यानी अपनी जिंदगी में उसका नियम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंसते मुस्कुराते हुए ऐसी अपनी जिंदगी बिताते रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।